हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता पटवास रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है टमाटर के पापड़। आज हम बहुत ही टेस्टी टमाटर के पापड़ की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यदि आप इस पापड़ को एक खाते हैं तो और भी ज़्यादा पापड़ खाने का आपका मन करेगा, और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इसमें परफेक्ट मेज़रमेंट बताएंगे। तो उस मेज़रमेंट को फॉलो करते हुए आप पापड़ बनाते हैं तो पापड़ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। हमने यहाँ एक बाउल में एक कप चावल का आटा लिया है, और इस चावल के आटे में हम 2 कप पानी डाल देंगे। तो घर पर आपको कोई भी कटोरी या कप ले लेना है, उससे ही पानी और आटे को नापना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, बड़े साइज के टमाटर है ये। तो टमाटर को पहले हम कट कर लेंगे, और यहाँ हमने टमाटर कट कर लिया है। और अब इन टमाटर को हम ग्राइंड करेंगे। तो हमने यहाँ एक ग्राइंडिंग जार लिया है, और टमाटर इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है, तो उसमें इस टमाटर को डाल देंगे और चम्मच से चलाते हुए इसे छान लेंगे। और अब हमने यहाँ पर 1 कप पानी डाल देना है, और पानी हमने जार में डाल दिया जिससे इसमें जितना भी टमाटर लगा है वह सारा निकल जाए। तो अभी हमने टोटल 3 कप पानी डाला है, 2 कप आटे में और 1 कप टमाटर में। और यहाँ हमने टमाटर को छान लिया है, और अब हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे। और अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि यह उबलने लगे। और यह उबलने लगा है तो इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे। और अब इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। और अब इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे। तो 3 कप पहले हमने पानी डाल दिया था, 2 कप आटे में, 1 कप टमाटर में, और ये 4 कप, यानी कि हमें टोटल इसमें 7 कप पानी लेना है। यानी कि हमने जितना आटा लिया है उससे 7 गुना हमें पानी लेना है। और अब हम इसे बॉईल होने देंगे, और यह बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यह जो हमने चावल के आटे का घोल तैयार किया है उसे इसमें धीरे धीरे करके हम डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। और यहाँ हमने सारा घोल डाल दिया है, और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए हमें इसे पकाना है। तो इसे हमें टोटल 7 मिनट तक ही पकाना है। और ये पकना स्टार्ट हो चुका है, और देखिए ये पकने पर कुछ गाढ़ा होने लगा है। और अब हमें इसे पकाते हुए 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो यह थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं बारीक कट करके, 2 चुटकी मीठा सोडा, इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा ही कलर डालना है। आप चाहें तो इन्हें बिना कलर के भी बना सकते हैं। और अब इसे मिक्स कर देंगे, और अब हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक सीट ली है, तो उसमें 1-1 चम्मच यह बैटर डाल देंगे, और इस तरह से फैला देंगे। तो इस तरह से हम सारे पापड़ तैयार कर लेंगे। पापड़ को थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि सूखने पर ये बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। और पापड़ बनाने के लगभग 5 से 6 घंटे के बाद हम पापड़ को पलट देंगे। ऊपर की सतह थोड़ी ड्राई हो जाए तभी इन्हें पलटना है, तो आसानी से ये पलट जाते हैं। और सारे पापड़ को पलटने के बाद हम इन्हें 2 दिन तक सुखा लेंगे, और 2 दिन में यह पापड़ सूखकर रेडी हो चुके हैं। तो देखिए ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, और फ्राई करने पर भी इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आई होप कि आपको आज की हमारी यह रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।